पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। हम छोड़े सब बातें, हम लोग डीसीपी से बात करते हैं। मैं विकी को बोलता हूँ, वो करेगा। He'll do it. या। एक काम करो, तुम लोग कॉल खेलते रहो, तब तक मैं अंदर जाके सड़ता हूँ। जैसे शिविना मरी थी सूट्स के जेल में, इसको लेके जाओ अंदर। चल अभी तू घर जा, मैं मैनेज करता हूँ। ठीक है। विकी कहाँ है? सर मैं विक्रांत सर का ड्राइवर बोल रहा हूँ। सर गोरेगांव आए थे किसी मैम से मिलने। नहीं भर लेती हूँ, नहीं तो पूरा दिन बिना पानी के रहना पड़ेगा। और इस दादी अम्मा को एक और वजह मिल जाएगी ऋषि के घर और यहाँ को कंपेयर करने की, और फिर दिन भर मुझे ताने मारती रहेगी। राम कपूर फिर बने साल के सबसे बड़े बिजनेसमैन। एक बार फिर अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते हुए बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जाने माने बिजनेसमैन राम कपूर के नाम हुआ। अब तो व्यापार जगत में उन्हें जादुई बिजनेसमैन भी कहने लगे हैं, जो जिस काम को हाथ में लेते हैं उसे नई बुलंदियों पर पहुँचा देते हैं। सूत्रों की माने तो मिस्टर कपूर सिर्फ 2 घंटे सोते हैं और दिन रात मशीन की तरह काम करते हैं, इसीलिए इस किताब के असली हकदार वही है। क्या कर रही है तू प्रिया? क्या जरूरत है तुझे जानने की कि मिस्टर कपूर की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है? कोई जरूरत नहीं है। पीयू को इस बारे में कुछ नहीं पता है, और उसे पता भी नहीं चलना चाहिए कि मिस्टर कपूर उसके पापा हैं। कितनी बदल गई है मेरी जिंदगी पिछले 5 साल में, कितना कुछ हो गया, पर कोई रिग्रेट नहीं है। तो क्या हुआ अगर मैंने प्यार करके उसे खो दिया तो? कम से कम मुझे प्यार मिला तो सही। मेरी प्रॉब्लम्स भी ना मुझसे बहुत प्यार करती हैं, तभी तो कभी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। कैश खत्म होने वाला है मेरे पास, अगले महीने से अदिति की ट्यूशन फीस भी नहीं आएगी। 2500 कम हो जाएंगे तो मैं कैसे एडजस्ट करूंगी? और ट्यूशन ढूंढनी पड़ेंगी मुझे, या फिर पास में किसी स्कूल में एज ए टीचर ज्वाइन कर लूं क्या? हाँ ये ठीक रहेगा, चेक करती हूँ। हाँ ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, पीहू के स्कूल से दूर भी है। अगर किसी को मेरे पास के बारे में पता भी चलेगा तो पीहू के स्कूल तक खबर नहीं जाएगी। ये ठीक है, यहाँ अप्लाई कर देती हूँ। पर एप्लीकेशन में पूछेंगे कि पिछले 2 साल क्या किया, तो क्या जवाब दूंगी? क्या कहूंगी कि मैं जेल में थी? समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैनेज होगा सब कुछ। पीहू के समर वेकेशंस शुरू होने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो करना चाहेगी वो।
वैसे तो मैं उसे कहानी सुना देती हूँ कि हम एक एडवेंचर ट्रिप पे हैं, पर अगर कल को उसने पिछले 2 साल के बारे में कुछ पूछा मुझसे या बाकी बच्चों की तरह ये पूछा कि मेरे पापा कहाँ हैं, तो मैं क्या? सारा थी इतनी सुबह? एक्चुअली मुझे पता है कि तू सुबह जल्दी उठती है पानी भरने के लिए, इसलिए। हाँ दी, बस 2 ही घंटे पानी आता है ना यहाँ। पीयू ने बताया मुझे। पीयू ने? आपने उससे कब बात की? पीयू से बात करने के लिए मुझे तेरी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। पर इसने मुझे कुछ बताया नहीं, बदमाश ने। हाँ, और उस बदमाश से बात किए बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तू अपने क्लासेस में बिजी होती है ना और उसका गेम आवर होता है, तब मैं और पीयू बात करते हैं। हफ्ते में एक बार, कभी कभी हफ्ते में 2 बार भी हो जाता है, लेकिन प्लीज डोंट शाउट एट हर फॉर दिस, बता रही हूँ मैं। अच्छा, मतलब आप दोनों मेरी चुगली करते हो? वो हमारा टॉप सीक्रेट है, तुझे क्यों बताएं? वैसे प्रिया, पीयू से मिलने का बहुत मन कर रहा है, और तुझे भी। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, पीयू है ना मेरे पास। वो तो है। अच्छा एक बात बताओ, आप बेकरी इतनी सुबह सुबह क्यों खोल रहे हो? वो एक्चुअली ब्रेड का एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया था हमारे किसी पुराने क्लाइंट से। मतलब आज आपका दिन काफी बिजी जाएगा। अरे पूछ मत। मैं इतना बिजी हूँ कि क्या बताऊँ। वैसे आई एम रियली हैप्पी। ये बेकरी का बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, और वो हमारी सैंडी है ना, वो भी कमाओ लड़की हो गई है। बताती नहीं है कितना सैलरी, लेकिन मुझे पता है दैट शी इज डूइंग वेरी वेल। बहुत अच्छा लगा सुनकर दी कि आप दोनों अपनी लाइफ में इतना ग्रो कर रहे हैं। अच्छा प्रिया, गुस्सा मत होना, लेकिन मैं तुझसे एक बात पूछूं। हाँ? एक मिनट। आपने फिर से मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए ना पीयू के लिए? हाँ, वो सारा थी। क्यों करते हो आप ऐसा? पिछले 5 महीने में 5 बार ये हो चुका है, क्यों, क्या जरूरत है? तुझे कोई हक नहीं है ये पूछने का। अरे मासी हूँ मैं पीयू की, मेरा पूरा हक बनता है। वैसे पिछले 5 सालों में सिर्फ 5 महीने पहले ही तूने पीयू से बात कराना शुरू किया है, तो प्लीज कुछ मत बोल मुझे। और आपको उसकी वजह पता है ना? पर ये बात और उस बात का कोई कनेक्शन नहीं है। आप प्लीज ये सब करना बंद करो। ओके? ओए, मैं बड़ी बहन हूँ, समझी? सारा जी। अच्छा प्रिया, तुझे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, कुछ नहीं है। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, सब अच्छे से मैनेज हो जाता है, सब ठीक है। तो फिर ये पानी टपकने की आवाज कहाँ से आ रही है? तेरे छत में से पानी टपक रहा है ना, सच बता मुझे। नहीं, बारिश हो रही है बाहर। मुझे और पीहू, हम दोनों को बारिश बहुत अच्छी लगती है ना। प्रिया, ये सारी कहानियाँ तू पीहू को सुना, क्योंकि बेवकूफ तुम मुझे नहीं बना सकती, समझी? मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।